आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। औरंगाबाद के अजब सदर अस्पताल की एम्बुलेंस व्यवस्था गजब की है। अजब होने की वजह से अस्पताल का ISO 9001:2015 प्रमाण प्राप्त मॉडल हॉस्पिटल होना है। पर भले ही यहाँ नई नई 9 मंजिला, 7 मंजिला और 5 मंजिला इमारतें बन रही है, पर मॉडल तो कुछ भी नहीं है। बिहार के सरकारी अस्पतालों का खस्ता हाल एम्बुलेंस सिस्टम को अभी जनता के सामने लाने का अभियान चला रहा है। इस कारण इसी कड़ी में हम औरंगाबाद के सदर अस्पताल के एम्बुलेंस सिस्टम की हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए हमारे औरंगाबाद संवाददाता धीरेन्द्र पांडे की यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें गैरेज में बिगड़े पड़े उन दर्जनों एम्बुलेंस की है जो औरंगाबाद की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के अंग रहे हैं। ऐसे में प्रखंडों में स्थित सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेंस व्यवस्था का तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि सिर्फ सदर अस्पताल पर गौर फरमाएं तो जिले का सबसे बड़ा यह अस्पताल मात्र 4 एम्बुलेंस के भरोसे है। गनीमत यही है कि ये 4 एम्बुलेंस ठीक ठाक हालत में है, पर अस्पताल में आने वाले मरीजों की भारी संख्या के लिहाज से बेहद कम है। लिहाजा जब ये 4 सरकारी एम्बुलेंस जब रेफर मरीजों को लेकर हायर सेंटर रवाना हो जाते हैं तो प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की चलती हो जाती है। एम्बुलेंस की कमी को इसके चालक भी स्वीकार करते हैं और खुद को 3 माह से वेतन नहीं मिलने का रोना भी रोते हैं। दबी जुबान यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मनमानी करते हैं। एम्बुलेंस की क्या स्थिति है? एम्बुलेंस की भी तो स्थिति वही है कि हम लोग अभी तक 3 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है। अब PF हम लोग को लगता है कि हमने 8-9 महीना से बंद किया हुआ है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं दिख रहा है सदर अस्पताल में? दिख रहा है, अभी तो निकला है, अभी एक इमरजेंसी लेके निकला है अभी रेफर, और अभी एक तो अभी लेके निकला है तो एम्बुलेंस को कमी है, एम्बुलेंस की कमी है। एम्बुलेंस तो कमी है, तो यहाँ मरचूरी एक तो और होना चाहिए कम से कम। तो अभी देखे कि प्राइवेट एम्बुलेंस आया था 1500 में दाऊद नगर से। हाँ, दाऊद नगर वालों ने बताएगा। यहाँ तो यहाँ भी देखते हैं कि प्राइवेट गाड़ी लगती है एम्बुलेंस, और बहुत लगती है। यहाँ तो फिर लग, यहाँ एम्बुलेंस लेने के लिए जगह भी नहीं, कम से कम एम्बुलेंस के लिए सेट होना चाहिए, उसके लिए यहाँ व्यवस्था है नहीं। कुछ एम्बुलेंस खराब भी है क्या? कुछ, हाँ कुछ एम्बुलेंस खराब है, तो निकलने वाली है, 2-4 दिन में निकल जाएगी। जब औरंगाबाद सदर अस्पताल के बेहद लुंजपुंज एम्बुलेंस सिस्टम को उसके चालक ही स्वीकार कर रहे हैं तो आवाम के नज़रिए तो काबिले गौर ही होगा। इस वजह से आम लोगों की राय से भी हम आपको रूबरू करा ही देते हैं। सदर अस्पताल में देखिए, ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मिशन 60 के तहत उनका दावा है कि हमने सभी अस्पतालों को एकदम सुव्यवस्थित किया है, सही ढंग से किया है, सारा एम्बुलेंस का सुविधा दिया गया है। लेकिन ये दावा का पोल तब खुलता है जब सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। अभी ताज़ा एग्जांपल में देखिए, एक सामने एम्बुलेंस लगा हुआ है। यहाँ का स्थिति है कि सरकारी एम्बुलेंस की कमी होने के वजह से सारे प्राइवेट वाले लोग जो प्राइवेट एम्बुलेंस रखते हुए यहाँ हावी हो गए हैं। ये तो स्थिति है, आप लोग से छुपा हुआ क्या है। हॉस्पिटल में जो भी कर्मचारी लोग हैं, सबसे पहले तो उन पे आप मतलब उनसे सवाल कीजिए कि यहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस क्यों नहीं है। अगर बाई दी गरीब जनता लोग अगर कोई भी अगर आएंगे यहाँ पे, तो उनसे अगर कोई पूछेगा कि मतलब भाई पैसा वैसा तो गरीब के पास तो बहुत कम रहता है ना, और हम लोग हम जनता हैं, तो हम जनता के पास तो पैसा की कमी हमेशा रहती है। इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस अगर गरीब लोग को अगर नहीं मिलेगी तो गरीब लोग प्राइवेट एम्बुलेंस से कितना पैसा देंगे, 1000, 2000, 10000 कितना भी मांग कर सकते। सिविल सर्जन का कहना है कि एम्बुलेंस है पर कहीं गया हुआ रहता है, तो ऐसे में कैसे गरीब मरीजों का कैसे? क्या सदर अस्पताल है ये, यानी कि हर जगह के रेफरल अस्पताल, रेफरल जो अस्पताल होती है गांव-गांव में, वहाँ के हर रेफरल अस्पताल की जो भी मरीज है यहाँ पे लोग मतलब भेजते हैं लोग, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहाँ से अगर कोई अगर मरीज को अगर भेजा जाए कहीं, तो एक बात बताइए कि एक ही एम्बुलेंस है क्या? 70 अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, बड़ा अस्पताल में, जो जिला मतलब जिला लेवल पे जो हॉस्पिटल है उसमें क्या है, एक ही एम्बुलेंस रहना चाहिए? इसमें किसको दोषी मानती है, जबकि मिशन 60 के तहत तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य महकमे को दुरुस्त किया गया है। तो स्वास्थ्य जो मंत्री है उसको दोषी मानेंगे? गिर गए हैं, से हुआ है। कहाँ पे आई है? हॉस्पिटल में आए, सिचुएशन खराब।
सदर अस्पताल में? हाँ सर। कितना पैसा लगा एम्बुलेंस का? एम्बुलेंस के 1200 तो वहाँ से तय करके आए सर। करवा ली सी टी? हाँ। मिल गया रिपोर्ट सर। क्या नाम हुआ? कांति देवी सर। कितना भाड़ा लेते हैं इसका? ऐसे 1500 रुपए है ऑक्सीजन लगा के। अच्छा, लेकिन अभी आए हैं 1200 में। 1200 में कहाँ जाना है अभी? रिटर्न होना है आवाजाही। कहाँ से? दाऊदनगर। और दाऊदनगर से आए हैं? अभी आए कहाँ हैं आप? सदर। इस बारे में औरंगाबाद के स्वास्थ्य महकमे के सबसे बड़े हकीम यानी कि सिविल सर्जन से जो बात की गई तो उनकी बातें तो प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली निकली है। उन्होंने कहा है कि सदर अस्पताल के पूरे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने का काम चल रहा है, भविष्य में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। रही बात प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की मनमानी की तो इसके लिए स्वास्थ्य प्रबंधक और अस्पताल के उपाधीक्षक को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पाती है। कभी कुछ विलंब हो सकता है क्योंकि मरीजों की संख्या काफ़ी है। सरकारी अस्पताल में सुविधाओं की वृद्धि के कारण होने के कारण काफ़ी पहले से लोगों का आगत यहाँ फुटफॉलिंग काफ़ी बढ़ गया है, लोगों का भरोसा बढ़ा है, उसके कारण एम्बुलेंस की उपयोगिता भी काफ़ी बढ़ी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस कहीं गया रहता है तो उसको आने में कुछ तो विलम्ब हो ही जाता है, तो ये तो अनअवॉइडेबल है। लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश रहती है कि एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। प्राइवेट एम्बुलेंस ज़्यादा हावी रह रहे हैं मेरे कैंपस के अंदर में, तो प्राइवेट एम्बुलेंस मैंने कभी अलाउ नहीं। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ दलाल टाइप के लोग यहाँ घूमते रहते हैं एम्बुलेंस के लिए, और वो जैसे ही देखते हैं कि अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है एम्बुलेंस तो इसका वो फायदा उठाकर गाड़ी लगाते हैं और फिर मरीज को लेकर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मैनेजर साहब को और डीएस साहब को भी ये ताकीद किया है कि प्राइवेट एम्बुलेंस के जो भी कर्मी हो वो अस्पताल परिसर में दिखने नहीं चाहिए, उसके लिए सिक्योरिटी को भी ताकीद कर दिया गया है। मेरे ख्याल में तो अभी तक वैसा मेरे संज्ञान में कोई केस आया नहीं है, आने पे मैं जरूर उसकी दर्याप्त करूँगा। बहरहाल सिविल सर्जन महोदय की बातों के अनुसार औरंगाबाद के सरकारी हेल्थ सिस्टम की गाड़ी कब पटरी पर आएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तो आवाम को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।